हेलो बच्चों, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th यानी कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखाया गया है। हम हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले नीचे क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लें। प्रश्न कह रहा है कि आकृति 6.39 में, ऐसा बुक में दिया था इसलिए मैंने लिख दिया है, ये आकृति है वो 6.39 इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है आपकी बुक में। क्या दिया इसमें? कह रहा कि त्रिभुज एबीसी और एएमपी जो समकोण त्रिभुज है, कौन कौन सा? एबीसी यानी ये जो एंगल बी है ये भी क्या है? समकोण है बेटा, ठीक है। एबीसी और एएमपी दोनों क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिनके कोण बी और बी समकोण है। सॉरी, इसमें जो फिगर में लिखा गया वो गलत है बेटा, एक जगह बी होगा एक जगह पी होगा, वो सॉरी पी नहीं, जगह यम होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कौन कौन समकोण है? एक बी समकोण है, एक यम, जहाँ दोनों में बी भी लिखा है, दो बी भी नहीं आनी चाहिए, एक बी की जगह पे यम होगा, ठीक है। ठीक है, प्रश्न में थोड़ा सा गलती है, तो जहाँ पर एक जगह देखो क्या है, जैसे इंग्लिश में देखो सही लिखा है, इसी में गलत है बस, ठीक है। जिनके कोण बी और यम समकोण त्रिभुज हैं, ये बी और यम क्या है? समकोण त्रिभुज। जरा सिद्ध कीजिए कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो क्या है? सिमिलर है किसके? त्रिभुज ए एम। चलिए ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड, लिखिए 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 त्रिभुज ए बी और त्रिभुज ए एम पी में, क्वेश्चन में हटा देता हूँ, ठीक है। चलो आगे लिखो, इसमें देखो बेटा यम जो है वो बी के बराबर होगा। यम बी के बराबर क्यों होगा? आप लिखो, यहाँ पर लिखो एंगल ए बी सी इक्वल एंगल एम पी के बराबर है, क्यों? तो बोथ 90 डिग्री में लिख दो, दोनों समकोण हैं, दोनों क्या हैं? समकोण है, इसलिए क्या है? दोनों बराबर हैं, है ना। दोनों क्या कंपेयर कर रहे हैं, इसमें यम समकोण है, इसमें बी समकोण है, इसलिए क्या है? बी और यम दोनों आपस में क्या बराबर है, ठीक है। इसमें एंगल ए बराबर एंगल ए है बेटा, क्यों? कॉमन है, इसमें कॉमन है साहब। ये जो कोण ए है, अगर तुम ए बी सी लेते हो, ये त्रिभुज लेते हो, या ए एम पी लेते हो, इसमें दोनों में ए आता है ना, यानी ये क्या है? कॉमन है, लिखो कॉमन एंगल। उभयनिष्ठ कोण हिंदी में लिख दोगे, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। अब नीचे लिखो एक लाइन, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी, अरे ऐसे लिख लो ना यार, ये ऐसे नीचे लिखो ना, चूंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज के एम पी में, या फिर ऐसे ले लो के दो संगत कोण, देखो बेटा संगत कोण को करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये दो संगत कोण मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हैं, अतः क्या होगा? ऐसे लिखो, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज ए एम पी, यही तो करने को बोला था क्वेश्चन, फिर से देख लो। ए एम पी को क्या करना था? इनको सिमिलर दिखाना, ये आपका फर्स्ट पार्ट था बेटा, ठीक है। ये क्या था? फर्स्ट पार्ट था, हो गया डन। इसमें किसी को कोई प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, कितना लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप तो इसी पर आधारित है, पहले वाले हल पर ही दूसरा पार्ट आधारित है। कैसे? जरा देखो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब समरूप त्रिभुज के क्या हैं? ये सभी संगत भुजाएं हैं, इसलिए क्या आपस में बराबर हैं। दूसरा पार्ट वैसे सिद्ध हो गया। कैसे? देखो, जब मैंने आपको सीपीसीटी पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट करिएगा, आपको सीपीसीटी का वीडियो मिल जाएगा जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट था। सीपीसीटी मतलब जानते हो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसके बारे में पढ़ाया गया, के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। फिलहाल उसका मतलब कुछ और ज्यादा डिस्क्राइब था, ये इसमें आपको केवल थोड़ी सी जरूरत है, आप समझ लो।
अगर कोई दो त्रिभुज है जैसे ए और बी और सी और ए एम पी, बेटा ये दोनों अगर आपस में सिमिलर हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं वो आपस में बराबर होंगी। आप नीचे लिखो दूसरे वाले के लिए, क्वेश्चन हटा रहा हूँ, ये लिखो आप दूसरे पार्ट के लिए, यहाँ पे लिख लो सेकंड पार्ट में आपको वैसे लिख लेना है जैसे जो दिया है डी ए अपान क्या प्रूव करना था भाई क्या दिया, ये लिखने दो क्वेश्चन फिर मैं दिखाऊंगा। डी ए ये बराबर किसके हैं, बी सी बराबर है एम पी के, ये सिद्ध करना था, इसमें कुछ करना ही नहीं, ऐसे लिख दो बस। लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, हिंदी मीडियम वाले लिख लो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, ठीक है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं ये बराबर होती है बेटा, याद रखना ठीक है, ये त्रिभुज का रूल होता है, परमीय होता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट पढ़ लिया। कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे, संकोच कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर नहीं किया तो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप घर बैठे पढ़ सकें प्यार से फ्री में सीखें। और एक काम कर सकते हैं पी वी आर स्टडी ऐप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें जिससे कि आप आसानी से ठीक है पूरा कंप्लीट कोर्स कम समय में आज ही डाउनलोड करें। पी वी आर स्टडी ऐप कक्षा 10 का कम्प्लीट बैच दिवाली तक 99 देखो तो मस्त है।